एक कटिंग स्पीड क्या होता है ड्रिल मशीन में, यानी ड्रिल मशीन में हम लोग कटिंग स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे। एग्जांपल समझाने के लिए, सपोज ये पेन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि ये एक ड्रिल है जो रोटेट हो रहा है। अब ये वर्कपीस में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वही उसकी कटिंग स्पीड होगी। तो ये निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ड्रिल का डायमीटर डी, कितने आरपीएम यानी कितनी स्पीड से वो रोटेट हो रहा है कैपिटल एन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा कटिंग स्पीड यानी वेलोसिटी वी इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60, जहाँ पे डी जो डायमीटर है वो मीटर में रहेगा, एन जो है वो आरपीएम अपॉन 60। इस तरह से अपने को वेलोसिटी मिलेगा, मतलब ये ड्रिल कितने वेलोसिटी से वर्कपीस में जा रहा है मीटर पर सेकंड में। और अगर मीटर पर मिनट में निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर से 60 हटा दो, सिंपल फॉर्मूला रहेगा पाई डी एन। इससे पता चलेगा हर एक मिनट में कितना मीटर टूल जो है वो या ड्रिल वर्कपीस में जा रहा है।